हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप अपने राशन कार्ड की पात्रता सूची में अपना नाम किस तरह से देख सकते हैं। अगर आपके बिहार राज्य की नई लिस्ट कोई ओपन होके आई है तो आप उसमें अपना नाम किस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में यहाँ पे ऊपर टाइप करना है EPDS बिहार। इतना टाइप करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आएगा। आपके सामने इसकी फिर एक ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, epdsbihar.gov.in। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका पूरा पोर्टल खुल के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स दिखाई देंगे। फिर आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे RCMS रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी ये डिस्ट्रिक्ट खुल के आ जाएंगी। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप उसे ओपन कर लें। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे शो के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज रूरल और अर्बन दोनों साइड्स बताई जाएंगी। आप जिस भी साइड से बिलोंग करते हैं उस पर आपको अंकों पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे रूरल साइड पर देखना चाहता हूँ तो मैंने इन अंकों पर क्लिक कर दिया। फिर हाँ, आपके सामने यहाँ पे ब्लॉक खुल के आ जाएंगे। ब्लॉक खुल के आ जाएंगे, फिर आपको जिस भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, मतलब जिस भी ब्लॉक में रहते हैं उससे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे उदवंती नगर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपके ब्लॉक में जो भी पंचायत हो, जो भी आपके गाँव विलेज की पंचायत हो, उस पंचायत को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं उदवंती नगर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही पंचायत है। फिर आपके सामने उदवंती नगर पंचायत की सारे विलेज खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे उदवंती नगर खुद एक पंचायत और विलेज है, फिर यहाँ पे शो करने लगा है। फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके विलेज में जितने भी मेंबर्स हैं राशन कार्ड के लिए, वो सारी लिस्ट ओपन होके आ गई है। फिर आपको यहाँ पे शो करेगा राशन कार्ड और यहाँ पे नाम, और आपके उनके जिनके नाम पे बना है उनके पिता या पति का नाम, फिर यहाँ पे मेंबर्स और जिन भी कोटेदार के अंडर में है उनकी लिस्ट। फिर आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका यहाँ पे कौन सा नाम मैच कर रहा है आपके राशन कार्ड के हिसाब से। जैसे यहाँ पे फिर करना, आपको यहाँ पे राशन कार्ड के ऊपर अंक जो है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने उसका पूरा पेज खुल के आ जाएगा कि इनके में कौन कौन से मेंबर्स ऐड हैं। ये प्रिंट करवा के आप इससे भी राशन अपना ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने राशन कार्ड लिस्ट में नाम देख सकते हैं और उसे प्रिंट करा के अपना राशन ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कॉमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।